स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि जब देश कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में वक्त में सागर द्वीप पर होने वाले धार्मिक आयोजन गंगा सागर मेले को अनुमति देना सुपर स्प्रेडर घटना साबित हो सकती है। सुपर स्प्रेडर का अर्थ है कि संक्रमितों के जरिए संक्रमण का तेजी से फैलना। विशेषज्ञों का कहना है कि हरिद्वार, प्रयागराज और इन स्थानों पर लगने वाले कुंभ मेले के समान ही इस मेले में भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं और ये मेला संक्रमण के प्रसार का केंद्र बन सकता है। संक्रामक रोग एवं बेलियाघाटा जनरल IDBG अस्पताल की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनीमा हल्दर ने PTI भाषा से कहा है कि ये गंगा सागर मेला निश्चित रूप से एक सुपर स्प्रेडर होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, लाखों लोग एकत्र होंगे और हमें डर है कि COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा ये निश्चित रूप से वायरस के प्रसार को बढ़ाएगा, ये मेला निश्चित रूप से प्रसार का एक जरिया बनेगा। दैनिक मामलों की संख्या अभी की तुलना में कहीं अधिक होगी। चिकित्सकों के एक फोरम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार को ये निर्देश देने का अनुरोध किया कि 8 जनवरी से 16 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर कोलकाता में लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित सागर द्वीप पर वार्षिक गंगा सागर मेला आयोजित न किया जाए। हालांकि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कोविड प्रोटोकॉल का पालन होने का आश्वासन मिलने के बाद मेले के आयोजन को अनुमति दे दी थी। डॉक्टर हल्दर की राय से डॉक्टर हीरालाल कोनार ने सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस बात की आशंका है कि स्थिति हाथ से निकल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो स्वास्थ्य देखभाल ढांचा बुरी तरह से चरमरा जाएगा। डॉक्टर कोनार वेस्ट बंगाल ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स के संयोजक में से एक हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।